गाइस ये मैंने इसलिए रिकॉर्ड किया कि मैं आपको दिखाऊं इसकी मस्ती। मैं कट कर दूंगी, आई एम द एडिटर। और आपने कट किया तो मैं आगे से ब्लॉग नहीं बनाऊंगी। बूम, हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, कोरोना ने कर रखा है हमारा जीना हराम, क्योंकि अब हो गया है लॉकडाउन वापस। अब वापस बैठो घर पे और क्या करो, खाओ पियो और सो जाओ। खाओ पियो सो, अरे कितना खाओ पियो के सोगे। मेरी समर वेकेशन स्टार्ट हो रही है। वैसे ही वेकेशन चल रही है। वही मैं तो सोच रही थी, अरे यार वैसे ही वेकेशन चल रही है, बट फिर भी सो आई एम सो एक्साइटेड कि समर वेकेशन भी स्टार्ट हो रही है। चलो पॉइंट पे आते हैं कि अभी मतलब जो शॉपिंग है ना लॉकडाउन में, वो सबसे ज़्यादा हो गया है सैड मेरे लिए। सबसे ज़्यादा बकवास चीज़ है कि हम शॉपिंग नहीं कर सकते। आई गेस मेरे लिए भी वो सबसे ज़्यादा बकवास चीज़ है, कुछ कुछ लोगों के लिए वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा होगी। बिकॉज सी, मैं एक कपड़े में सिर्फ एक ही फ़ोटो डालती हूँ, मैं उसको रिपीट नहीं करती। दो फोटो रिवाज, सुबह और शाम। सॉरी, दो फोटो। तो फिर अब मैं लाऊँ कहाँ से कपड़े, ऐसे मिलेंगे तो नहीं, हमें कपड़े जाके खरीद के लाने पड़ेंगे। और अब सब ऑनलाइन साइट है ना। हाँ तो मम्मा, जो ऑनलाइन साइट्स है ना, मैं बताती हूँ, मैं साइट का नाम नहीं लूँगी। मैंने एक जगह से ऑर्डर किया है, इट्स बिन 15 डेज, अभी तक कपड़े मेरे बिल्डिंग के आसपास भी नहीं घूमे हैं। लाइक सीरियसली, उनमें पैर थोड़ी लगे हुए हैं। यार मुझे बोलने दो ना, आप बाहर और बीच में कुछ भी निकाल रहे हो, मतलब तो सच्चाई है ये, मतलब थोड़ी है। तो मतलब बहुत सारी जगह जो कर मतलब ऑनलाइन है, कुछ यहाँ डिलीवर नहीं कर रही है, तो कुछ आ ही नहीं रही है, और मतलब कुछ तो चल ही नहीं रही है जिससे खरीदती हूँ मैं, कुछ तो बैन हो गई है। तो फिर मैं बताती हूँ, तो फिर मतलब मैंने सोचा कि थोड़ी क्रिएटिविटी क्यों ना करी जाए। मतलब यू नो लाइक, मैंने सोचा कि हम लोग ना कुछ क्लोथ हैक्स करें, क्लोथिंग हैक्स। कि अब बीच में टोक ना मत, मुझे बोलने दो ढंग से। क्लोथिंग हैक्स इन द सेंस कि मैं अगर मैंने मामू की टी शर्ट ले ली, नानू की टी शर्ट ले ली, और उसको अलग अपना डिज़ाइन कर लिया, क्योंकि मैं इनके कपड़े तो पहन सकती नहीं हूँ। मैंने नानी का सूट ले लिया, कुछ उसका काट पीट के कुछ अलग बना दिया। तो बहुत लोगों ने क्लोथिंग हैक्स के ऊपर वीडियोज अपलोड की हैं, एंड मैंने देखा कि उन्होंने कितने अच्छे अच्छे क्लोथिंग हैक्स किए हैं। तो आज हम उनकी वीडियोस देखेंगे एंड ट्राई करेंगे कि ये सच में चलता है कि नहीं। तो फिर चलता है या काम करता है? चलता है। ये सच में चलता है कि नहीं, मतलब सच में इट्स लाइक इट विल वर्क, या इट विल वर्क और नो। सो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बूम। विटामिन सी फॉर्मिंग फेस वॉश, सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स, एंड हेल्प्स ब्राइटनिंग स्किन टोन, एंड हेल्प्स स्मूथनिंग स्किन। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। तो चलो इससे पहले फेस वॉश कर लेते हैं। यू नो आई लव, अगर ये ऐसे मतलब रिकॉर्ड नहीं कर रही होती ना, तो मैं भी फोम से खेल रही होती, फेस वॉश बाद में करती। I can smell the like orange, yeah. Wow. तो चलो अभी मैं फेस वॉश करके आती हूँ। वाह, फेस वॉश करके मेरी स्किन कितनी स्मूथ लग रही है। तो अभी मैं यूज करने वाली हूँ वाओ का दूसरा प्रोडक्ट। सो दिस इज विटामिन सी क्ले फेस मास्क। फेस मास्क, तो दिस हेल्प्स टू रिमूव डलनेस एंड ब्राइटन स्किन कॉम्प्लेक्शन एंड सूट्स ऑल स्किन टाइप्स। तो चलो इसे भी यूज कर लेते हैं।
तो गाइस मैं अपने फेस पे सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट्स के लिए रखूंगी। सो अभी मैं यूज करने वाली हूँ विटामिन सी फेस सीरम। तो इसके ये बनाया है विटामिन सी से, विच हेजल से, एंड अगर इसकी ऑथेंटिसिटी स्कैन करनी है तो आप यहाँ से स्कैन भी कर सकते हैं, एंड दिस हेल्प्स टू हाइड्रेट स्किन एंड ब्राइटन योर स्किन। तो चलो ये भी यूज कर लेते हैं। और ये सिलिकॉन और पैराबेन फ्री है। ऑलमोस्ट डन। तो अभी मैं यूज करने वाली हूँ विटामिन सी फेस क्रीम। सो दिस इज फॉर हाइड्रेटिंग, ब्राइटनिंग एंड सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। तो वाओ, तो मैंने क्रीम लगाई है और देखो मेरी स्किन कितनी ज्यादा सॉफ्ट लग रही है। ये अंदर ना ही पैराबेन है, ना ही सल्फेट है, ये सिलिकॉन है एंड नो कलर। तो दीज आर फॉर ऑल स्किन टाइप। ये सब प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स से बने हुए हैं एंड दे आर सो हेल्दी फॉर योर स्किन एंड दे आर ऑसम। आई पर्सनली लव देम। सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आपको जो चाहिए आप वहाँ से ले सकते हैं। वेबसाइट से बाय करना ज्यादा ईजी है एंड आपको आपके नियरेस्ट स्टोर में भी मिल जाएगा। और अगर आप लोग ये कोड यूज करेंगे तो आपको 20% ऑफ भी मिल जाएगा। हाँ जी इंटरव्यूअर, मम्मा एकदम चेयर लेके ऐसे बैठ गई है मेरे सामने जैसे मेरा इंटरव्यू। बाहर चले जाओ। नहीं यार, बाहर मत जाओ। तो चलो हम फर्स्ट हैक देखते हैं। ओ सो शी इज टेकिंग अ स्कार्फ। मुझे सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए एंड बहुत प्यारा सा टॉप बन जाएगा। तो चलो इस हैक को भी ट्राई कर लेते हैं। मैचिंग स्कार्फ नहीं मिला तो मैंने सोचा कि दुपट्टा ले लो। तो अन्ना उसने यहाँ पे इसको टाई किया। वन एंड टू, ओके, एंड इधर टाई किया फिर और टू। वाओ रीवा, अच्छा है। इंस्टाग्राम के लिए एक और आइडिया। अच्छा लग रहा है क्या? नहीं सच्ची बताओ, बहुत सुंदर दिख रहा है। पीछे से दिखाओ पूरा टर्न होके। एक्चुअली इट्स रियली नाइस, है ना? हैंड से दिखाओ। गॉड, मुझे पता नहीं था। साइड से दिखाओ ऊपर क्योंकि थोड़ा कि एक दुपट्टा इतना काम कर सकता है। सी, नाइस, वेरी नाइस। इसकी फोटोज आपको देखनी हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे देख लेना। तो चलो नेक्स्ट हैक ट्राई करते हैं। अभी मैं ट्राई करने वाली हूँ नेक्स्ट हैक, एंड नेक्स्ट हैक मतलब टी शर्ट के रिलेटेड है। सो आई एम एक्साइटेड कि मैं अपनी टी शर्ट को कैसे डिफरेंट बना सकती हूँ। तो चलो हम नेक्स्ट हैक देखते हैं। टी शर्ट को कितना डिफरेंट बना सकते हो? यस, इट्स यूनिक ना कि आपने जो टी शर्ट पहनी है, नॉट दिस वन, है ना, फुल स्लीव वाली, उसको आप एकदम डिफरेंट कैसे बना सकते हो? तो इसका मतलब अब आपके कपड़े खरीदने की छुट्टी? नो, ये नहीं कि मैं हमेशा लाइफ हैक्स वाले करूंगी। करेंगे जब लॉकडाउन खोलेगा ना, आपको लेके देंगे। इट्स मनी सेविंग, टाइम सेविंग, यू नो। आई नो इट्स मनी सेविंग एंड टाइम सेविंग, बट ठीक है, जो पसंद आएगा वो ले लेंगे, वरना जो हैक्स पसंद आएंगे वो कर भी लेंगे। तो आपको चाहिए। चलो तो चलो अभी देखते हैं। सो दिस इज ओके। सो वो अभी बहुत ज़्यादा थकी थकी आ रही है, काम कर रही है। शी इज क्लीनिंग हर हाउस, दैट्स गुड। पार्टी टाइम, व्हाट व्हाट, हाउ,
हजम नहीं हुआ, बस उसने अपना टॉप निकाला, उल्टा पहना एंड बैम। चलो अब आप भी ट्राई कर लो ना। मुझे पक्का ट्राई करना, इट्स ऑसम। चलो ये क्या हैक हुआ? नहीं ये हैक नहीं है मॉम, अभी देखो मैं क्या करती हूँ। ठीक है हैक देखने के लिए रेडी हो? यू विल बी लाइक, मैंने वैसे ट्राई तो नहीं किया बट होना चाहिए। ठीक है बूम। तो ये क्या था यार, पहले पेन क्या आया वापस? ऐसे ट्रांजिशन कर ली, मन कर रहा था मस्ती। ट्रांजिशन वीडियोस में बना लूंगा। चलो तो फिर मुझे इसको उल्टा पहनना है, यू नो इट्स डिफरेंट, यू नो। तो अभी देखते हैं। वाओ सीरियसली, तो यहाँ पे विवा आपकी शॉपिंग तो पक्का मैं बंद करने वाली हूँ। नो ऑफ कोर्स नॉट, इसके अंदर मेरा हेड आएगा या फिर मैं डक जाऊंगी। आप सब लोग इसको कमेंट में बोलो कि हम हैक्स ट्राई करके शॉपिंग को थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। नो देखते हैं आपके फ्रेंड्स क्या। आप सब कमेंट में बोलो कि ना मम्मा और शॉपिंग करो, नहीं कि ना रीवा आप हैक्स भी ट्राई करो और आपको जो पसंद आए वो शॉप भी कर लो। हाँ हाँ देखते हैं किसकी बात सुनते हैं, मम्मा की या रीवा की, देखते हैं। ओके देखते हैं। ये कर क्या रहे हो यार, रुक जाओ रुको भाई जरा। वो देखो नीचे टैग दिख रहा है आगे से। कुछ नहीं दिखा। आया मैंने ठीक से किया कि नहीं? थोड़ा आगे से भी नीचे करो, यहाँ से नहीं, यहाँ से तो परफेक्ट था, ऊपर से नेक से। एक बात बोलूं, फोटो में तो बहुत सुंदर दिख रहा है लेकिन रियलिटी में थोड़ा ओके ओके लग रहा है, बिकॉज पता चल रहा है उल्टी पहनी है। पीछे टर्न हो। ओके रियलिटी में पता चल रहा है। हाँ रियलिटी में पता चल रहा है, वीडियो में नहीं पता। सो ये हैक आपका बाहर नहीं वर्क करेगा लेकिन फोटोशूट। हाँ बाहर ही वर्क करेगा, अगर घर में फोटोशूट करना है तो इसको थोड़ा सा इरेज करके फोटोशूट कर सकते हो, लाइक यू नो फोटोशॉप में थोड़ा सा। चलो क्लियरली दिखाओ, हाथ सीधे करो, सीधे कर सकते हो, नीचे करो, ऊपर करना हाथ। कहाँ गया? मत पूछो ना। मारो आप कहीं पार्टी में गए और आपने हाथ ऊपर किया था टॉप ऊपर। चलो सो दिस हैक इज ओनली यूजफुल फॉर फोटोशूट आई थिंक। या यस दिस हैक टेक्निकली वर्क्स, है ना टेक्निकली। तो चलो मेरे लिए तो काम कर गया, एक ड्रेस मैं भी घूम करने आया था और आप ये कर रहे हो मॉम। चलो So guys, अभी मैं देखने वाली हूँ एक हैक जो है स्कर्ट के रिलेटेड, और मुझे ना अपनी प्लेन बोरिंग सी स्कर्ट को ना कुछ क्रिएटिव बनाने में बहुत मजा आता है। तो चलो देखते हैं कि ये क्या है। ओह बैंगल्स एंड रबर बैंड। ओह नाइस, दिस इज कूल। तो चलो अब ये ट्राई करते हैं, आई एम सो एक्साइटेड। सो गाइस जैसा कि हमने नेक्स्ट हैक देखा कि उस हैक में मुझे देखो मेरे पास है स्कर्ट, बैंगल्स और रबर बैंड, वो भी बहुत सारा, इतना सारा हमें चाहिए नहीं बट है। तो अभी मुझे बट पीछे ना पता है आपको वो बेड की वजह से आपका ब्लैक कलर विजिबल नहीं, थोड़ा इधर हो जाओ। यस ओके सो अभी मुझे सी दैट्स व्हाई आई वाज वेयरिंग शॉर्ट्स। ये प्लेन स्कर्ट तो बहुत बोरिंग है, तो अभी ओ भाई तो इधर पहले निकालना चाहिए था ना। आई नो आई डिड अ ऊप्सीज। क्या कर रहा हूँ, आ गया कुछ दिख रहा ही नहीं है तो। ओ यार नाउ इट्स लुकिंग नाइस रे। चलो अभी 2-3 और करने हैं, करो लाइक इट्स अ डिजाइन लाइक 2-3 यू नो। It's looking so pretty, come. Wow,
ऊपर करो रिवा 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 रिवा। तो चलो नेक्स्ट हैक ट्राई करते हैं, ये निकलेगा भी नहीं। तो अभी एक हैक है प्लाजो के रिलेटेड, तो देखते हैं कि मैं अपने बोरिंग प्लाजो को न्यू कैसे बना सकती हूँ। वाइड पैंट्स, जस्ट अ थ्रेड, कुछ स्टिचिंग का होगा। नहीं नहीं मॉम, स्टिचिंग का नहीं है। वाओ इट्स सो स्टाइलिश, ओ माय गॉड। तो चलो इसे भी ट्राई कर लेते हैं। सो गाइस, इस हैक के लिए मुझे चाहिए प्लाजो, और देखो मेरे पास एग्जैक्ट प्लाजो है जो उन्होंने वीडियो में दिखाया। आई एम सो प्राउड ऑफ माय सेल्फ एंड लुक योर शॉपिंग। आई नो बट टू कलर के रिबन्स है मेरे पास, बट रिवा इट्स गुड, एक आपके इयररिंग से मैच कर रहे हैं, एक आपकी टी-शर्ट से। मैं नोटिस नहीं किया। तो चलो इससे क्या करने वाले हैं, I'll wear this and then we'll see. Ta-da! तो अभी मुझे इसे आराम से पैरों पर रखो और आप खड़े हो जाओ। हाँ मैं आराम से बैठ के करूँगी। तो अभी ऐसे सी लूज प्लाजो, क्या बोले लूज प्लाजो, आई ऑलरेडी वोर, या लाइक लूज प्लाजो ऑलरेडी पहन लिया, सो I guess it was like this. You guess मतलब you didn't see the video? देखा ना इतना ऐसा ही है। अभी क्या देख रहे थे? ये that's what I told. खड़े हो जाओ और tie करो। मामा की बात तो सुनते नहीं ना? आपकी बात सुनती नहीं हूँ मैं? अभी नहीं सुनी इस बात में। वैसे भी इतना loose ही ऐसे ही आएगा। ठीक है। ये ऐसा लग रहा है आप घोड़सवारी कर रहे हैं, हॉर्स राइडिंग। नेक्स्ट नोना नोना करो, ये मेरा नमूना आ गया है। हॉप 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 चलो ऊपर दिखाओ, ऊपर चढ़ के बैठ के दोनों पैरों पर रख के। Why are we still here? Just to suffer. I don't think so कि ये हैक चला, because I was शुरू में ही मेरे को डाउट था कि seriously आप प्लाजो और रिबन से कर क्या सकते हो? No, it's not looking good. Sorry. प्लाजो चेंज भी नहीं हुआ, वैसा का वैसा ही है। हाँ, correct. नहीं चला तो चलो नेक्स्ट वीडियो देखते हैं कि क्या है, नेक्स्ट हैक करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सो लीस्ट मामा, सो दिस हैक इज रिलेटेड टू शर्ट। इतनी लो शर्ट, नो व्हाट, इतना जल्दी पूरा एक ड्रेस बन गया, बस शर्ट को सिर्फ ऐसा किया और बुम 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 फटाफट एक ड्रेस बन गई शर्ट की। चलो यार इट्स ऑसम। लास्ट बूम, जब मैं छोटा बच्चा था मैं स्कूल जाता था। व्हाट अ लवली हैक रिवा, दिस इज अ हैक, बहुत अच्छे दिख रहे हो इस ड्रेस में। ऐसे हां मेरे पास मिरर भी नहीं है, हो रहा ना सामने, इट्स नॉट क्लियर। ओह नाइस, ऐसे पहन सकती हूं, बट नो दिस इज नॉट द हैक। अभी हैक तो ये है, ऐसे पहनोगे हैंड होल्ड करके। मॉम शुक्रो जरा देखो, फिर मैं सुन नहीं लग रहा है, यहाँ तो बहुत ज्यादा रुकना पड़ेगा। मॉम व्हाई यू डूइंग दिस टू मी, हां थोड़ा पीछे जा रहे। म्यूजिक आगे भाई,
चलो नानू अपनी शर्ट्स निकाल दो रीवा के शूट के लिए। Really? इतना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। बट रीवा एक बात बोलूं, क्या सॉरी टू से बट ये सिर्फ फोटोशूट में अच्छा लग रहा है, पीछे टर्न होके दिखाओ, देखो सब क्या मैसी लग रहा है। This is nice, it's looking very pretty, it's pretty. So ये था मेरा व्लॉग, इंस्टाग्राम पे दिखाएंगे वैसे, हाँ इसमें फोटोशूट करके मैं इंस्टाग्राम पे वैसे डाल दूंगी। सो गाइज दिस वॉज माई लास्ट हैक ऑफ द डे। मम्मा आप क्यों खुश हो रहे हो? आप क्यों खुश हो रहे हो सच? क्योंकि मुझे और कैमरा हैंडल नहीं करना पड़ेगा। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो ओ भाई मारो। एनीवेज किसी ने नहीं सुना वो, ठीक है। एनीवेज तो फिर दिस इज लुकिंग सो प्रिटी, आई एम सो ऑब्सेस्ड विद दिस। सो गाइस मुझे नहीं पता था कि ऐसे हैक्स देखने से आप अपने मतलब इतने मतलब पुराने ट्रांसफॉर्मेशन, यस इतने पुराने कपड़े जो आप ऑलरेडी पहन चुके हो उसे एकदम न्यू बना सकते हो। आई एम सो 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 ग्लैड कि मैंने हैक्स देख लिया और ट्राई कर लिया, कुछ तो फेल हुए बट। लेकिन रीवा आप ये बाहर पहन के नहीं जा सकते, घर में तो आई नो बट अभी तो लॉकडाउन है ना, तो घर में फोटोशूट के लिए तो अच्छा ही लग रहा है ना, है ना। सो दिस वर्क्स फॉर हाउस एंड कुछ कुछ है जो आप बाहर भी पहन सकते हो, जैसे मैंने जो स्कर्ट वाला किया था वो तो ऑफकोर्स पहन सकते हो, दैट्स परफेक्ट फॉर पार्टीज एंड ऑल, आई विल श्योरली वेयर दैट टू अ पार्टी। हाँ तो लाइक कुछ कुछ नहीं हुए एंड कुछ कुछ हुए, सो आई रियली होप जो नहीं हुए थे वो भी होने चाहिए थे, बट ये थोड़ी ना कि हर चीजें हो सकती हैं। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग, गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकन, बूम बूम, एंड कमेंट करो कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा एंड नेक्स्ट वीडियो क्या देखना है। सी या बाय, वन एंड ओनली रीवा, रीवा रीवा द डीवा। अच्छा रीवा का एक हैक मैं दिखाती हूँ, क्या अब इधर आओ, क्लोज आओ, टर्न हो जाओ उस साइड, ये देखो एयररिंग्स किस में पहनती है। अपने एयररिंग्स नहीं उतारती है, उसके ऊपर ही एयररिंग्स पहनती है, दिस इज अनदर हैक। आई नो एंड रिमेंबर लास्ट मेरा जो लास्ट से भी लास्ट शू कलेक्शन था, मैंने ऐसे किया और सीधा मेरा एयरिंग ही बाहर उड़ गया था, दैट वॉज हॉरिबल। बाय।